राजघाट पुलिस ने अपहरण करने वाले दो वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर दो अभियुक्तों को सेमरा नंबर 2 चरगामा से गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान मोहम्मद आदिल अहमद पुत्र स्वर्गीय मोहम्मद खलील अहमद निवासी चकसा हुसैन पचपेड़वा थाना गोरखनाथ जिला गोरखपुर, दूसरा सचिन साहनी पुत्र श्री राजेंद्र प्रसाद साहनी निवासी मोहनापुर बड़काटोला जंगल हकीम नंबर 2 थाना शाहपुर जिला गोरखपुर के रूप में हुई है, जिनके पास से 4 कूटरचित आधार कार्ड 5 सिम कार्ड 1 लैपटॉप 1 प्रिंटर 1 फिंगरप्रिंट डिवाइस को बरामद किया गया है। राजघाट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त युवती के अपहरण के मुकदमे वांछित चल रहे थे, जिनको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में राजघाट थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा, टीपी नगर चौकी प्रभारी अनूप कुमार मिश्रा, कांस्टेबल हृदयेश सिंह, पवन यादव, देवेंद्र यादव, रवि कुमार शामिल रहे।